बजट सत्र स्पेशल, बजट के बाद क्या हुआ महंगा। यूनियन बजट 2021 वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने बजट पेश कर दिया है। यहाँ देखें किस वर्ग को मिली है राहत और किसकी जेब पर पड़ेगा भार। मसलन 1 अक्टूबर 2021 से कस्टम ड्यूटी का नया स्ट्रक्चर आएगा, इसमें इंपोर्ट होने वाला सामान की कीमत पर असर पड़ेगा। साथ ही कुछ मोबाइल पार्ट्स पर कस्टम ड्यूटी 2.5% तक बढ़ाने की बात है, इससे मोबाइल की कीमतों पर असर पड़ सकता है। गोल्ड सिल्वर पर इम्पोर्ट ड्यूटीज रेशनलाइज्ड की जाएगी। चुनिंदा ऑटो पार्ट्स पर 15% कस्टम ड्यूटी लगेगी, इसमें ऑटो सेक्टर की लागत बढ़ सकती है। हालांकि ऑटो कंपनियों पर निर्भर करेगा कि वो इसका भार ग्राहकों पर डालेंगी या रेशनलाइज करेंगी। कॉटन पर 10% कस्टम ड्यूटी लगेगी, इससे कॉटन प्रोडक्ट महंगे हो सकते हैं। साथ ही सिल्क पर 15% कस्टम ड्यूटी लगेगी, सिल्क की साड़ी और दूसरे परिधान की कीमत बढ़ सकती है। साथ ही एग्री इंफ्रा डेवलपमेंट सेस लगाने का प्रस्ताव भी है। 75 साल से ऊपर के लोगों को टैक्स रिटर्न भरने से छूट दी गई है। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन पर अगले 5 साल में ₹50,000 करोड़ खर्च होंगे। डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए 1500 करोड़ आवंटित किए गए हैं। ट्राइब्यूनल्स ने कामकाज को सुधारने की बात कही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि कॉन्ट्रैक्ट विवाद जल्द सुलझाने के लिए सुधार करेंगे। देखिए क्या क्या हुआ महंगा। पॉलिश स्टोन, मोबाइल पार्ट, मोबाइल चार्जर, एसी फ्रिज, वायर केबल, एलईडी बल्ब, सोलर इन्वर्टर, सोलर लाटिन, कैपिटल गुड्स एंड मशीनरी, ऑटो पार्ट्स, मेटल, कॉटन, रॉ सिल्क, फिश फीड, मेजब्रेन, कार्बन ब्लैक, प्लास्टिक प्रोडक्ट, लेदर प्रोडक्ट्स। आपके बिजनेस का सच्चा साथी।